मथुरा बिरला मंदिर स्थित राधापुरम एक्सट्रैक्शन के ग्राउंड में द ग्रेट जाट कबड्डी क्लब द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30 टीमों ने भाग लिया। यह टीमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा की हैं, जिसमें विजेता आने वाली टीम को 11,000 का और द्वितीय स्थान पर आने वाली टीम को 5100 और तृतीय स्थान पर आने वाली टीम को 3100 की नगद धनराशि दी जाएगी। कबड्डी का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनुप चौधरी व श्याम सुंदर शर्मा उर्फ बिट्टू उपाध्याय और सादाबाद के ब्लॉक प्रमुख गिरेंद्र चौधरी ने फीता काटकर कबड्डी का शुभारंभ किया। जिला अस्पताल में इलाज कराने आए ये लोग थाना हाईवे क्षेत्र के बाजना के निवासी हैं, जो कि अपने खेत पर जाने वाले रास्ते को जब दूसरे लोग काटने लगे तो उन्होंने उनसे मना किया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बातों ही बातों में लाठी और डंडे तक पहुंच गई। घायल राजेंद्र ने बताया कि कुछ लोग खेतों में जोड़ने वाले मार्ग को काट रहे थे, इसी बात पर जब हमने मना किया तो इतने में ही मार्ग काटने वाले लोग भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। बातों ही बातों में दबंग लोगों ने फोन कर गाँव से अपने परिजनों को बुला लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में 5 लोगों को चोट आई है, जिसमें से 2 को गंभीर चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नाम है आपका? राजेंद्र। कैसे झगड़ा हो गया? सब दगड़िया के ऊपर झगड़ा हुआ है। दगड़िये काट रहे सरकारी है। हमारे पिताजी ने कछु कही तो हमारे पिताजी के भी गैर शब्द उल्टे सूधे बोले, और फिर हमारे छोटे ने बात कही भाई ऐसे चौ बोल लो, मैंने कि तू का करेगा वही शब्द ऐसे बोले। तो मैंने भी ऐसे ही फोन कर दी वो इन्हें अपने गाँव में, तो बाकी गाँव के आए गले बिन्ने हमने पे चोट करी है, बिन्ने फायरिंग करी है, वो तो गोली लगी ना नहीं मर जाते हमने तो एक आध। कितने लोग घायल हो गए? हम 3-4 तो नहीं है और एक आध 2 बिन के नेक आध लगी है वे आए ना है। तो FIR कर दिया आपने? अभी साहब पता ना है FIR, हम तो नहीं है, हम FIR को करेगा हमारी। थाना राया क्षेत्र के गांव नगला पीता में खरंजे के ऊपर से गांव के ही बलबीर डब्बू रविंद्र आदि लोग मीठे पानी की पाइपलाइन डालकर ले जा रहे हैं, क्योंकि गांव में खारी पानी है, जिससे एक पक्ष द्वारा अपने घर के सामने से रोक दिया गया है। इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और आज फिर से पाइपलाइन डाले जाने का कार्य शुरू हुआ तो विवाद खड़ा हो गया और मौके पर पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम पहुंच गई, जब जाकर मामला शांत कराया गया। इलीगल तरीके से पाइपलाइन डाल रहे हैं बलवीर डब्बू रविंदर और नरेश ओमवीर हरिओम और उनके पूरे विद फैमिली में पूरे बच्चे हैं। 3 महीने पहले 8 तारीख को इस पर विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, मुझसे मारपीट करी इन्होंने। मारपीट के बावजूद दोनों पार्टियों का मुकदमा लग गया। उसके बाद दीवानी विवाद, इससे पहले इसमें दीवानी विवाद चल चुका है, उसके बावजूद भी ये पाइपलाइन डाल रहा है जबरई से। अच्छा, SHO के लिए आदेश RI साहब ने करा दिए कि मतलब तुम चलो मेरे साथ, जबरदस्ती से RI साहब डरवा रहे हैं पैसे लेके। क्या आपने जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है? कराया है। क्या उनकी तरफ से निर्देश मिले? जांच के आदेश हुए हैं और कोई है ही नहीं। IG पोर्टल पे मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, इसमें ADO साहब ने क्लियर अपनी रिपोर्ट भी लगाई है। चलो, क्लियर अनुमति नहीं है किसी भी उच्च अधिकारी की, ना ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव है और अनुमति दी गई है, उसके बावजूद भी डाली जा रही है। और उसमें ये कह रहे हैं कि अब बाद में परमिशन मिल सकती है, जब पहले बात हो रहा तो फिर इस परमिशन कैसे पड़ सकती है पैसे। वाली पाइपलाइन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मामला है पूरा? ऐसा है, इस गांव में खारा पानी है और खारे पानी की वजह से पूरा गांव परेशान है। मास्टर जी और एक लाइन डलवा रहे हैं और गांव को टोटी भी दे रहे हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ का आदमी दूर दूर से पानी लाता है और परेशान रहता है। अगर गाँव में अगर पाइपलाइन डल जाएगी तो गाँव को मीठा पानी मिल जाएगा। सर, जैसा कि ये बताया जा रहा है, इस पर पहले भी विवाद हुआ है और ये पर्सनल लाइन है, किसी ग्रामीण को इसमें से कनेक्शन नहीं दिया जाएगा? नहीं नहीं, उनके द्वारा ये बताया गया, मास्टर जी द्वारा बताया गया, मैंने 4 जगह इसमें वो खोल रहा हूँ और पूरे गांव को पानी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तो इंजन चलेगा, जितना मेरे लिए डीजल भुकेगा गाँव के लिए भी उतना ही भुकेगा। पानी पीने के लिए मेरी ओर से किसी आदमी की कोई मनाही नहीं है, जितना पानी चाहे घंटे 2 घंटे में पानी दूंगा सबको, ये उनका कहना है। क्या ये लाइन डलवाने के लिए जिलाधिकारी महोदय या उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश हैं? हाँ, SDM साहब के आदेश हैं, उनके आदेश के अनुसार उनका पालन किया जा रहा है। ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा नारी सशक्तिकरण के तहत चलाई जा रही नारी सशक्तिकरण दौड़ रविवार की शाम मथुरा पहुंची, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा इस यात्रा में शामिल हुई सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। आगरा से चलकर आई यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोवर्धन चौराहे से कृष्णा नगर होती हुई भूतेश्वर की तरफ आई। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के तहत भाजपा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान यह यात्रा आगरा से चलकर मथुरा पहुंची है, जहां रविवार को इसका पड़ाव रहेगा। सोमवार की सुबह यह यात्रा कोसी कला की तरफ रवाना हो जाएगी और कोसी से आगे हरियाणा में प्रवेश कर पलवल होती हुई दिल्ली तक जाएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महारानी विजयराजे सिंधिया की 100वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में गंगा की सफाई को जीवन का मिशन बनाकर अनशन करते हैं अपने प्राण त्यागने वाले संत ज्ञान स्वरूप सानंद जी महाराज को रविवार को मथुरा के राला अधिकारी द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल के आवास पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मां गंगा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर रालोद नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यदि भाजपा सरकार अपने किए वादे को पूरा कर देती तो आज ज्ञान स्वरूप सानंद महाराज को अपने प्राण नहीं त्यागने पड़ते। ये सरकार फेंकने की सरकार से दूर, ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार से दूर, जो ऐसे संत और महापुरुष के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार की जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुनः पुनः मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, पापा को श्रद्धांजलि देता हूँ। अखबार सानंद बाबा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को, क्योंकि वैसे तो ऐसे व्यक्ति का कोई परिवार होता ही नहीं, वो परिवार से परे हो जाते हैं, फिर भी जो भी परिवार है उसके लिए भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस महान दुख को सहन कर सकें। देश की जनता से भी अपील करता हूँ कि इस बात पर केंद्र सरकार से ये पूछा जरूर जाना चाहिए कि ऐसे। अभी एक और बाबा की खबर है, वो दिन के अनशन के बाद गंगा माँ के लिए वो अनशन कर रहे थे, गंगा की शुद्धता पवित्रता पर्यावरण को बचाने के लिए वो अनशन कर रहे थे, और इस निकम्मी सरकार के शासन में उनकी जान गई। माननीय मोदी जी कहा करते थे मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है। उमा भारती जी कहा करती थी कि यदि मैं गंगा को साफ नहीं कर पाई तो मैं गंगा समाधि ले लूंगी। वो सरकार जिसने देश को ये भरोसा दिलाया था कि वो नदियों को साफ करेंगे, वो गंगा को साफ करेंगे, वो जमुना को साफ करेंगे, उस गंगा जमुना को इस स्तर पर नकार दिया गया। एक अनशनकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को IIT पास करना कोई बहुत आसान काम नहीं है, और उतने ज्ञानी पुरुष को वो जब हमारे और आपके लिए जब अनशन कर रहे थे, सरकार ने बिल्कुल चिंता नहीं की, और जब जब बिल्कुल स्थिति खराब हो गई तो उनको अस्पताल में लेकर डाल दिया, बल्कि उनके आश्रम के लोगों ने तो ये आरोप भी लगाया कि इनकी हत्या हुई है। हम उस विवाद में नहीं जाना कर चाहते, लेकिन ये वास्तव में बहुत दुखद है। उस सरकार के लिए तो और भी शर्म की बात है जो हिंदुत्व की सरकार हिंदुओं की सरकार होने का दावा करती है, उस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं इस अवसर
मथुरा के सुरीर कस्बा में आयोजित हुई हिंदू स्वाभिमान रैली के जरिए जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश नव निर्माण सेना द्वारा की गई। रैली में खेती का काम छिड़े होने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता की अच्छी खासी भीड़ रही। रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने बोलते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के लिए 2014 में जी जान से मेहनत कर प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी, इसीलिए वह अपने नवनिर्माण सेना के बैनर तले मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में मथुरा से चुनाव लड़ रहे हर्जा ताऊ गाने के गायक विकास शर्मा ने कहा, मोदी सरकार देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। राम मंदिर के नाम पर भोली भाली जनता से 2014 में वोट मांगे गए, फिर 2017 में मांगी गई और दोनों जगह सरकार होने के बावजूद राम मंदिर नहीं बना और अब कह रहे हैं 2019 में वोट दें तब राम मंदिर बनवाएंगे। जनता अब उनकी बातों में विश्वास नहीं करेगी और जो राम मंदिर का निर्माण कर सकेंगे जनता उसे वोट देगी। उन्होंने कहा, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें और मथुरा से सांसद बनाएं। इसके बाद अगर मैं आपके काम नहीं आ सका या आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आपका जूता होगा और मेरा सर होगा। इसी कड़ी में बोलते हुए उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 2014 में मैंने भी अपना वोट भाजपा को दिया था क्योंकि लग रहा था कि हिंदुत्व की पार्टी है। जी बताएं, आप आपकी नवनिर्माण सेना की आप प्रदेश सचिव हैं, आप अपने यहाँ इस क्षेत्र में किस तरह से विस्तार कर रहे हैं और क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित जानी जी हैं और उन्होंने अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर हमें कैंडिडेट उतारे हैं और मथुरा से भाई विकास कुमार शर्मा जी जो हट जाता हुआ गाने के सिंगर भी हैं उनको हमने यहाँ से उतारा है और आज सुरीर में 14 अक्टूबर को एक हिंदू स्वाभिमान रैली के रूप में हमने सुरीर से चुनाव का आगाज किया है और जो मुद्दे हैं जो पब्लिक की आम समस्या हैं उनको उठाते हुए आगाज किया है। तो हम विकास जी के साथ में विकास जी को लेकर के विकास जी नए इस क्षेत्र में आए हैं लेकिन आज जितना प्यार उनको और अमित भाई को यहाँ मिला है उसके लिए हम क्षेत्रवासियों जनपदवासियों सभी को आभार प्रकट करना चाहते हैं और आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम विकास जी को लेकर के डोर टू डोर गली खरंजे गांव गांव घर घर दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे जिससे जब तक हम पब्लिक के बीच में घुसेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब हम घर घर और डोर डोर जाएंगे तो हमारे विकास जी को जरूर सफलता मिलेगी। भूपेंद्र जी, एक चीज़ नज़र आती है जैसे कि आप डोर टू डोर जाने की बात कर रहे हैं, जनता एक अलग चीज़ होती है, कार्यकर्ता अलग होता है। मैं कार्यकर्ता की बात पूछ रहा हूँ, कार्यकर्ता को लेकर के आपका क्या? कार्यकर्ता अभी हमारे क्षेत्र में कुछ हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं और अभी हमें जो पूरा संगठन खड़ा करना है, पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा करना है, तो हम बहुत जल्द ही अपने यहाँ एक संगठन के लिए कमेटी गठित करेंगे और उसकी एक बैठक बुलाएंगे, उसमें जनपद के जो है युवाओं को और उस संगठन में से जोड़ेंगे और पदाधिकार बनाते हुए पद देंगे जिससे कि हमें हमारे नवनिर्माण सेना के लिए वो खुल के काम कर सके और डोर टू डोर हमारे साथ जा सके। जी विकास जी, बताएं आप जो मीटिंग हुई है उसको लेकर के आप क्या विचार है, किस विचार को लेकर के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जो आज की जो मीटिंग थी, जो हमारी हिंदू स्वाभिमान रैली थी, वो सभी साथियों को, सभी हिंदू भाइयों को एकजुट करके एक बैनर के नीचे लेके आने का जो हमारा प्रयास था वो आज सफल रहा और सभी साथियों ने आज बड़ा ही पूरा सब में जोश था और जो आज विकास के मुद्दे जो आज अमित जानी जी ने आज पार्टी ने उठाए हैं उस पर सभी साथी मिल के काम करेंगे और इस मथुरा के इस आस पास के क्षेत्र का विकास करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। जी अभी शुरुआत है, आप माट विधानसभा में काम कर रहे हैं, अब माट विधानसभा में आपको कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है? अभी मथुरा बहुत बाकी है, 5 तहसील मथुरा में, अभी आप एक तहसील में आपने कदम रखा है। देखो, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही थी भाई, यहाँ पे लोगों का जो उत्साह था, जो लोगों का जो एक सरकार के प्रति जो गुस्सा था और जो लोगों का मेरे प्रति जो प्यार था भाई, वो आज पूरा देखने को मिला है और इसी तरह से सभी विधानसभा में, पूरे लोकसभा में, पूरे क्षेत्र में ऐसे ही प्यार मिलेगा, ऐसे मैं उम्मीद सभी भाइयों से करता हूँ और भविष्य में जो है ना पूरा जो है ना इन भाइयों का साथ लेके, इन भाइयों का साथ लेके जो है ना हम इस आगे वाले जो भी रणनीति होगी उसकी तैयारी करेंगे। क्या आगे मुद्दे रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम?
के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं करती। पार्टी देश में सबको छोड़ करके युवाओं के साथ अच्छा कार्य करने का काम करेगा। क्या गठबंधन के साथ पार्टी बनाई है? कैसे हम गठबंधन भी करेंगे? 40 सीटों पर निर्माण पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो राम मंदिर के बाद इसी बात को लेकर के नवनिर्माण पार्टी जब आप अध्यादेश ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद SC ST एक्ट पर, तो राम मंदिर पर भी आप अध्यादेश ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था राम मंदिर बनाने का, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। नवनिर्माण पार्टी यदि सत्ता में आती है और 40 में से 30 कैंडिडेट उसके जीतते हैं, तो हम वादा करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। मोदी जी का आपने प्रचार भी किया था, अब कैसा अलग हो गए? मैं मोदी जी का आज भी भक्त हूँ, लेकिन बीजेपी की विचारधाराओं से अलग। एक चीज साफ तौर से कहूँगा कि मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी है, लेकिन बीजेपी मोदी जी के विचारों को नहीं मानती। रविवार को उत्तर प्रदेश तिरंगदाजी संघ द्वारा जिला तिरंगदाजी संघ मथुरा के सहयोग से एक प्रादेशिक तिरंगदाजी चयन प्रतियोगिता का आयोजन श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर बालिका वर्ग में किया गया। इस प्रादेशिक चयन प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर से लगभग 150 बालक बालिकाएं तिरंगदाजों ने प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता रिकर्व कंपाउंड इंडिया राउंड तीनों धनुष वर्गों में खुली हुई और 9 एवं 14 साल वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की हुई। इस चयन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश कोऑपरेट बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी ने किया। जिला तिरंगदाजी संघ के अध्यक्ष श्री राम बाबू शर्मा जी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस चयन प्रतियोगिता में मथुरा जिले की ओर से स्टेट टीम में क्वालिफाई करने वाले अंडर 9 इंडियन राउंड कैटेगरी में वाणिया राणा के प्रथम और रेणु शर्मा ने दूसरे स्थान पर रहते हुए प्रदेश की टीम में स्थान प्राप्त किया। किस स्तर की प्रतियोगिता की जा रही है? ये उत्तर प्रदेश तिरंगदाजी संघ के द्वारा प्रादेशिक चयन प्रतियोगिता है अंडर 9 और अंडर 14 कैटेगरी के। तीनों तरह के जो धनुष तीरंदाजी में इस्तेमाल होते हैं वो इंडियन तीरंदाजी में तीनों ही तरह के धनुष की यहाँ पे प्रतियोगिता है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों की। यहाँ से यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे वो 42 ज़िलों के टॉप 4 जो वहाँ से चुन के आए हैं अपने जिलों से वो सिलेक्शन ट्रायल दे रहे हैं। और यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की टीम आज चुनेंगे जो 23 तारीख को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाएगी, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। कितने सदस्य टीम होगी? तीरंदाजी में हर वर्ग में 4 सदस्यीय टीम होती है, अलग अलग धनुष अलग अलग आयु वर्ग में 4 सदस्यीय टीम होती है। चार बच्चे एक एक वर्ग से आज यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। जयपुर से लेकर बरेली तक जाने वाले मार्ग में कस्बा राया को पार करना लोगों के लिए जंग जीतने के बराबर है। दृश्य देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कस्बे से निकलना कितना मुसीबतों से भरा हुआ है। हर चौराहे पर वाहन घंटों फंसे रहते हैं, किंतु कोई भी पुलिस कर्मी इस ओर ध्यान नहीं देता। लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी तो यह स्थिति देखने को मिलती है कि मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती है। क्या नाम है? क्या स्थिति जाम की राया में? राया में इतना बुरा जाम लगता है, बाहर के लोग परेशान हो जाते हैं और जाने वाले जनता इतनी परेशान है जाम से बहुत। वो इंतजाम आने कोई चौराहे पुलिस कर्मी नहीं? कुछ नहीं, जाम लगा रहता है। जाम लगा रहता है, हर समय का जाम लगा रहता है यहाँ पे, 24 घंटों जाम रहता है। पुलिस वाले चौराहे पर नहीं रहते? नहीं।